फ्रेंड्स हम आए हुए थे अभी यहाँ पर शिमला स्टैंड से। देखे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूनमी स्टाइल ब्लॉग यूके। और आज बहुत ही दिनों बाद यानी कि 2-3 हफ्तों बाद जो है मैं ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया। ऊपर से गर्मी इतनी थी कि ब्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं था। लेकिन आज संडे है और अभी बज रहे हैं दिन के 2 और हम लोग खाना खा चुके हैं। तो सुबह तक तो बहुत ही उमस थी, बहुत ही गर्मी थी, लेकिन अभी का मौसम मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही तेज़ बारिश लग चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, कितनी तेज़ बारिश आ रही है। शायद आपको सुनाई भी नहीं दे रहा होगा क्योंकि बारिश इतनी तेज़ आ रही है। देखो इतनी तेज़ बारिश लगी हुई है और फाइनली आज बहुत ही सुकून मिला है, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश जो है बुधवार को आई थी यहाँ पर, उसके बाद आई नहीं, उसके बाद आज ही आई है। तो बहुत ही अच्छा मौसम हो चुका है अभी, वरना गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो चुकी थी। गर्मी से कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था, ब्लॉग बनाने का मन भी नहीं कर रहा था। तो हम दोनों का प्लान था, मेरा और दीपा का, कहीं बाहर जाने का। तो अभी देखते हैं, शायद अगर बारिश रुक जाए तो हम लोग जाते हैं कहीं, और आप लोगों को भी साथ में लेकर चलते हैं ब्लॉग के थ्रू, अगर ये मोटी बारिश रुक जाए तो। अभी तो बहुत मोटी बारिश लगी हुई है। हेलो फ्रेंड्स, सब कुछ चौपट हो चुका है बारिश की वजह से। या तो बारिश आ ही नहीं रही थी या फिर इतनी तेज आ रही है कि हमारा प्लान था घूमने जाने का अभी शाम के टाइम, और अचानक ही जाते जाते हम तैयार भी हो चुके थे, जाते जाते ही बारिश लग गई और हमारा प्लान चौपट हो गया। अच्छी बात तो ये हुई कि बारिश आ गई, गर्मी कम हो गई, लेकिन हमारा प्लान चौपट हो गया। अब तो बरसातें शुरू हो चुकी है और अब ऐसा ही होगा हमेशा, अब हमेशा हर संडे को ऐसे ही होगा। हम प्लान बनाएंगे और वो चौपट हो जाएगा। इतने दिनों बाद मैंने ब्लॉग की शुरुआत की थी कि ब्लॉग बनाती हूँ, कहीं घूमने जाने का प्लान था, यही मतलब ज़्यादा दूर नहीं था, यही पास में था प्लान जाने का। और हम लोग तैयार भी हो चुके थे, 3 बजे निकलना था, लेकिन 3 बजे बहुत ही तेज़ बारिश आ गई और अभी भी एकदम हल्की हल्की आ ही रही है। बारिश का कोई भरोसा नहीं कि कब तक आती रहे। तो इसलिए हमने सोचा कहीं हम वहाँ पर जाएँ भी, फिर एकदम से बारिश आ जाए तो फ़ायदा कुछ नहीं, भीग ही जाएंगे हम लोग, तो अभी तो नहीं जा पाएंगे। ये देखें, अभी हमारा घूमने जाने का प्लान तो कैंसिल हो चुका है, लेकिन हमने सोचा चलो घूमने नहीं जा पा रहे तो थोड़ा बाहर तक चले जाए सब्ज़ी लेने और दूध वगैरह लेने, क्योंकि बारिश अभी बहुत ही हल्की हो चुकी है। वैसे हमने छाता ले लिया है, और दीपा अभी थोड़ा बाहर तक जा रहे हैं। और आप सोच रहे होंगे मेरी ड्रेस कितनी बार चेंज हो चुकी है। एक बार तो घूमने के लिए ड्रेस पहनी जहाँ हमें घूमने जाना था, उसके बाद दोबारा जो सूट पहना वो जो है उसके लिए पहनी रील बनाने के लिए, तीसरा बाहर जाने के लिए। फ्रेंड्स हम आए हुए थे अभी यहाँ पर शिमला बाईपास की तरफ आए हुए थे हम सब्ज़ी लेने के लिए। सब्ज़ी तो हमें मिली नहीं, कोई ठेले वाला है नहीं, तो हमने सोचा हम यहाँ पर लेंगे स्वीट शॉप पर जो गुलाब जामुन खा लें, बहुत मन कर रहा था। अभी यहीं से हम सीधे सीधे पैदल जाएंगे और ठेले वाले देखेगा तो सब्ज़ी खाएंगे। आप भी हमारे साथ गुलाब जामुन खाने आइए। स्टैंड से देखे कितना हल्ला होगा बाहर जाके। अभी हम ऐसे घूम रहे हैं यहाँ पर चमन विहार में,
घूमने आए, हमने सोचा अभी से घर जाकर करना भी क्या है। काफ़ी शांत इलाका है। यस, अरे हम चले भी जाते हो यार वहाँ, बारिश दोबारा ही पर लग रहा है। आ चुके हैं सब्जी लेकर, दूध लेकर, और घूमने जाने का प्लान था आज कि यहाँ आगे तक जाएंगे मतलब, लेकिन बन नहीं पाया वो प्लान क्योंकि बारिश बहुत तेज़ आ गई थी जैसे हम निकलने के हुए। और हम अभी आ गए हैं सब्जी लेकर, और फाइनली मेरी चाय बन चुकी है अभी शाम की चाय। हमने सोचा था आज हम कहीं घूमने निकलेंगे लेकिन वो हो नहीं पाया, बारिश अचानक इतनी तेज़ आ गई। सुबह तक ये पता ही नहीं था, अंदाज़ा ही नहीं था कि बारिश आ जाएगी, सुबह तक बहुत गर्मी थी। तो नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि हम सुबह ही निकल जाए क्योंकि अब अगले हफ्ते से तो बारिश शुरू होने वाली है ऑलमोस्ट। तो हम कोशिश करेंगे हम 10-11-12 बजे तक निकल जाए, हमें कहीं भी घूमना हो, क्योंकि शाम के टाइम तो बिल्कुल भी जो मौका मिलेगा नहीं, बारिश इतनी तेज़ आ रही है। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? वैसे तो आपको दिखाना कहीं और था, कहीं और हम घूमने जाने वाले थे लेकिन जा नहीं पाए, लेकिन फिर भी जो भी है मेरे व्लॉग को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग।